हेलो गाइज, मैं हूँ हार्दिक पांचाल। तो भाई अभी अपने पास आई है ऑल न्यू मारुति सुजुकी 2023 फ्रॉन्क्स। भाई फ्रॉन्क्स के अंदर आज के टाइम में इतनी ट्रेंडिंग में चल रही है ना गाड़ी, इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप देखते हो ना तो भाई ग्रैंड विटार और बलिनो के बीच की सेगमेंट की गाड़ी है। और भाई मारुति ने इसमें नेक्सा ने अपनी फ्रॉन्क्स ने काफ़ी ही ज़्यादा धमाल मचा रखा भाई, चाहे इसकी लुक हो गई, चाहे इसके अंदर इंटीरियर वगैरह का सारा सिस्टम हो गया। तो अभी इसके अंदर दिखाने वाला हूँ, सिल्वर स्टार पर अगर आप आते हो ना तो भाई इसके अंदर आप सिल्वर स्टार पर आके कोई सी भी जेनुइन एसेसरी ले सकते हो मारुति की। कोई सी भी गाड़ी ले आओ भाई मारुति की सारी जेनुइन एसेसरीज मिल जाएगी आपको। तो अभी बात करते हैं भाई फ्रॉन्क्स के अंदर सबसे पहले क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है और क्या क्या इसके अंदर हुई है। तो भाई इंटीरियर में अगर आपको लेके चलता हूँ ना, तो सबसे पहले आप इंटीरियर में चेकआउट करो तो यहाँ पर भाई ऑटो फॉर्मिंग के अंदर अपने सीट कवर इंस्टॉल करे गए हैं जो कि बिल्कुल इसके कलर से मैच करे। देखो जैसे इसका डैशबोर्ड का कलर आता है ना ब्राउन सा, इस टाइप में अपने ऑटो फॉर्मिंग के अंदर भाई सीट कवर इंस्टॉल कर दिए। देखो भाई क्या मस्त क्वालिटी निकल के आती है। साइड से अगर बैठोगे ना भाई काफ़ी ज़्यादा कुशनिंग फीलेगी आपको, कम्फर्ट भी काफ़ी ज़्यादा फील होने वाला है। और उसके अंदर भाई डिज़ाइन देखो, कहीं भी आपको रिंकल वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेंगे। प्योर लेदर के अंदर ऑटो फॉर्मिंग के अंदर बोलते हैं इनको, जो कि थोड़े इंपोर्टेड कपड़ा होता है ना हैवी क्वालिटी के अंदर, वो वाले सीट कवर लगे हुए हैं इसके अंदर ये देखो। उसके बाद भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे स्टीयरिंग रैप, तो स्टीयरिंग रैप की क्वालिटी चेकआउट करो भाई, बिल्कुल जेनुइन H2H जैसा कंपनी से आता है ना उस टाइप में रैप कर रखा है। और इसको पकड़ के ना भाई क्या फील आती है, अपना हाथ वगैरह स्लिप नहीं होता, बिल्कुल इजीली अपना स्टीयरिंग वगैरह मुड़ जाता है। ये सारी बढ़िया चीज़ होती है भाई, देखो क्या मस्त क्वालिटी निकल के आती है, कहीं भी आपको निकलने का डर ही नहीं रहेगा। और बिल्कुल पता क्या होता है, स्टीयरिंग पे ना आपका हाथ फिसलता है और गंदा हो जाता है। अभी जैसे ये गंदा हुआ ना तो अपना ये स्टीयरिंग के ऊपर रैप है ना ये गंदा हुआ है, बाकी स्टीयरिंग साफ है। यहाँ थोड़ा कपड़ा वगैरह लगा देंगे बिल्कुल ईजिली क्लीन हो जाएगा। भाई इंटीरियर में अगर आप देखोगे ना फ्रॉन्क्स के अंदर स्क्रीन वगैरह नहीं आती बेस मॉडल के अंदर, पर लेकिन अगर आप सिल्वर स्टार पर आओगे तो आपको स्क्रीन स्पीकर वगैरह सारी चीज़ इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद भाई एक इसके अंदर यहाँ पर मैट इंस्टॉल कर दी गई है। देखो भाई इस टाइप के कस्टमर की अलग अलग चॉइस होती है, एक टाइप के 7D मैट है, बस ये थोड़े ग्रास वाले मैट बोलते हैं ना उस टाइप में है। बाकी यहाँ पर रख के अपना पैर भी स्लिप नहीं होता, इस पर अगर पैर रख के रखते हैं ना तो पैर स्लिप नहीं होगा क्योंकि ना थोड़ा रबड़ में दे रखा है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर निकल के आता है। इसको अपना ईजिली उठा के बाहर क्लीन कर सकते हैं और अंदर रख सकते हैं। क्वालिटी आपको बहुत सारी मिल जाएगी 7D मैट के अंदर। और बाकी अगर आपको पीछे की तरफ से सीट कवर दिखाता हूँ ना मैं, तो पीछे जो बंदा बैठेगा ना भाई आपकी फ्रॉन्क्स के अंदर, तो वो कहेगा भाई क्या मस्त चीज़ लगवाई है तूने फ्रॉन्क्स के अंदर। ये देखो भाई सीट कवर की मेन क्वालिटी होती है ना ये देखो, तीनों के तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट, हालांकि ये बेस मॉडल नहीं है, ये जेटा मॉडल के आसपास का अपना। बाकी अगर इसके अंदर बैठते हैं ना भाई ये देखो, एक तो स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा ऑफर करते हैं, बाकी सीट कवर की क्वालिटी ना भाई मैं रियली बता रहा हूँ, अगर आप बैठोगे ना आप कहोगे भाई बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर निकल के आ रहे हैं। देखो यहाँ से अपने को कोई भी रिंकल वगैरह नहीं मिलेगा और सेंटर में कुछ इस टाइप का पार्ट आता है, इधर की साइड अलग हो गया इधर की साइड अलग, सेंटर में जो बैठेगा वो थोड़ा इनकम्फर्टेबल रहेगा क्योंकि उसके लिए ना मारुति ने पहले से ही नहीं बनाया। बाकी भाई अगर इसके अंदर कुछ नहीं देखोगे ऑटो फॉर्मिंग के अंदर काफ़ी अच्छी कुशनिंग आ जाती है अपनी भाई। इसके ना भी आपको जेनुइन सामान भी दिखाऊंगा और ओनर से ही मिलवाऊंगा कि भाई फ्रॉन्क्स लेने का क्या मेन रीज़न रहा। और जो इसके जो सीट कवर देख रहे हो ना ये अपना इससे मैच करेगा, ये जो अपने गेट पे और अपने डैशबोर्ड पे कलर आता है ना ब्राउन सा, इससे अपने सीट कवर मैच कर दिया भाई ब्राउन कलर के अंदर। इनकी फील बड़ी अच्छी निकल के आ रही है देखने में अगर देखते हो ना। उसके बाद यहाँ पर USB पोर्ट वगैरह मिल जाता है। अभी आपको बता दो कि भाई अगर आप बेस मॉडल लेके आते हो तो उसके अंदर आप क्या क्या इंस्टॉल करा सकते हो। और भाई ये ना इसके अंदर कैमरा और इंस्टॉल है वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो भाई ये इसके अंदर यहाँ पर कैमरा इंस्टॉल कर दिया है। ये देखो इसकी ना भाई क्वालिटी भी दिखाता हूँ आपको, क्योंकि कैमरे की क्वालिटी होती है ना वो रात के टाइम पे देखी जाती है, दिन में तो आपको कुछ नहीं पता लगेगा क्योंकि दिन के अंदर तो भाई धूप होती है, जब आप रात में आओगे ना तो आपको पता लगेगा। तो ये देखो भाई अगर मैं यहाँ से रिवर्स गियर डालता हूँ तो यहाँ पे देखो भाई कैमरे की क्वालिटी चेकआउट करो, क्या मस्त क्वालिटी निकल के आ रही है। रात के टाइम पे ना भाई ASD कैमरा बोलते हैं इसको, रात के टाइम पे इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी निकलेगी क्योंकि लाइट विजन वाला है ना, पीछे की साइड लाइट चलेगी और तब क्वालिटी देखना। अभी तो दिन हो रहा तो दिन में ऐसी क्वालिटी मिलती है। देखो भाई रिवर्स गियर डालते हैं बिल्कुल एकदम कैमरा ऑन होता है, जो कि बिल्कुल लैगी तो है ही नहीं कहीं से भी अगर देखोगे ना, और क्वालिटी ठीक है भाई ASD कैमरे की मेरे हिसाब से। बाकी भाई अगर फ्रॉन्क्स लेके आते हो ना तो फ्रॉन्क्स के अंदर अभी इस टाइप की दे रखी है, टॉप मॉडल में जाओगे तो वहाँ पर अपने को कीलेस एंट्री वगैरह भी मिल जाएगी। तो आपको ना एक और चीज़ बताता हूँ मैं, अगर फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल लेते हो ना तो उसके अंदर अपने को ऑटो फोल्डिंग ORM लेफ्ट राइट करने के लिए एडजस्टेबल करने के लिए नहीं मिलते, और स्टीयरिंग पे ना कंट्रोल भी नहीं मिलते, मेन बात ये होती है। भाई सिल्वर स्टार पे आपको सारी की सारी जेनुइन एसेसरीज मिलेगी, जैसे कि अपना स्टीयरिंग व्हील हो गया, अपना ऑटो फोल्डिंग ORM एडजस्ट करा सकते हो, बाकी गियर नॉब ना बेस मॉडल में अलग से आता है, उसके अंदर ये वाला इंस्टॉल करा सकते हो क्रोम वाला जो कि सिल्वर फिनिश के साथ आता है। और भाई सिस्टम होता ना मेन अंदर गाड़ी के अंदर वो ही नहीं आता बेस मॉडल के अंदर, वो लेके आओ और वो लगवा लो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और उसके बाद बाहर से भी ना लुक जो होते हैं वो एक दो चीज़ें इन्हेंस कर देती है, जैसे कि अपने डोर वाइजर हो गए, रूफ रेल्स हो गई, शार्क फिन एंटीना हो गया, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा लुक इन्हेंस कर देती है भाई बेस मॉडल के अंदर। और एक LED होती है, जो LED इंस्टॉल होती है ना भाई उससे बढ़िया लुक निकल के आती है बेस मॉडल में। आप LED लगा लो भाई मज़ा आ जाएगा आपको, और अलॉय लगवा लो भाई क्या फील आ जाएगी। उसके बाद भाई आप फ्रॉन्क्स के अंदर ना एक वेलकम प्लेट लगवा सकते हो, देखो भाई रात के टाइम पे बड़ी प्रीमियम सी लगती है।
उसके बाद भाई डैम्पिंग करा लो सारी गाड़ियों के अंदर, भाई डोर हैवी हो जाते हैं, एक तो मारुति की बिल्ड क्वालिटी कमज़ोर है और डैम्पिंग से स्पीकर की आवाज़ भी अच्छी आ जाती है इसके अंदर। उसके बाद भाई ये देखो, ये बेस मॉडल का स्टेयरिंग था जो मेरे हाथ में है, और अगर दूसरे वाला देखोगे तो भाई यहाँ पर टॉप मॉडल वाला इंस्टॉल कर दिया, इस पर अपने को कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है, पर लेकिन अगर आप बेस मॉडल वाला देखते हो तो इस पर कुछ भी नहीं मिलता भाई। और उसके बाद यहाँ पर भाई एक आर्मरेस्ट इंस्टॉल कर सकते हो जेन्युइन मारुति का। अगर आप पीछे से देखते हो ना तो भाई इसमें देखो चार्जिंग पोर्ट वगैरह मिल जाते हैं अपने को, और बाकी दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, और बाकी इसमें एसी वेंट वगैरह तो आ ही जाते हैं। तो भाई कहने का मतलब ये बेस टू टॉप बनवा सकते हैं फ्रॉन्क्स को लाके। अभी आपको जरा एक बार लाइट दिखा दो कैसी लगती है। तो ये देखो भाई ये लगती है फ्रॉन्क्स की लाइट जलते हुए रात के टाइम पे, भाई बड़ी प्रीमियम सी फील होती है। एक तो लाइट जलती है और ऊपर से फ्रॉन्क्स लिखा हुआ है इसके अंदर। भाई यही थी छोटी सी वीडियो, अगर आपको पसंद तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।